खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने हर बार कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया, ना कि मस्जिद का पुनर्निर्माण। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब भी कानून का कोई उल्लंघन हुआ तो वो हिंदू पक्ष ने किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ कट्टरपंथी, कुछ शिद्दत पसंद, कुछ नफरती लोग आए दिन किसी न किसी मस्जिद पर यह दावा कर दे रहे हैं कि यहाँ पर पहले हमारा हिंदू मंदिर था। आए दिन कभी बाबरी मस्जिद, कभी ज्ञानवापी, कभी बदायूं की मस्जिद, कभी संभल की मस्जिद, कभी अजमेर शरीफ दरगाह, कभी दिल्ली की जामा मस्जिद, आए दिन ये लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पहले मंदिर था। आप बाबरी मस्जिद के बारे में भी अच्छी तरह जानते होंगे, वो बाबरी मस्जिद जहाँ पर नमाज होती थी, 1949 में वहाँ पर आखिरी नमाज पढ़ी गई थी और 1949 में वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बुरा दिन था। और 2024 में उस ज़मीन पर राम मंदिर बनकर तैयार किया गया। तो अब बाबरी मस्जिद मामले पर, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जस्टिस नरीमन, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और इन्होंने साफ क्लियर किया है। उस बयान में इन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। आप इनकी पहले ये वीडियो देखें। मैं आपके सामने, हिंदुस्तान लाइव एक यूट्यूब चैनल है, मैं इसकी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जानें कि जस्टिस नरीमन ने बाबरी मस्जिद को लेकर क्या कहा है। कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वो इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते। भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किया हो, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएफ नरीमन का। पूर्व जस्टिस नरीमन ने अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने अदालत के फैसले को सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ बताया। रिटायर्ड जस्टिस नरीमन ने कहा कि इन फैसलों में सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया, उन्होंने इसे न्याय का मजाक करार दिया। दरअसल सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान नाम के एक विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस एएम अहमदी मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने ये बातें कही। मंच से जस्टिस नरीमन ने राम मंदिर केस और इससे जुड़े फैसलों पर खुलकर अपनी बात रखी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस आरएन नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्रहान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। इसे उन्होंने एक तरह से शरारतपूर्ण बताया। इसके बाद जस्टिस नरीमन ने इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत सरकार के 1994 के फैसले का जिक्र किया। इस केस में अयोध्या क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम 1993 की वैधता और राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई हुई थी। इस केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 67 एकड़ भूमि अधिग्रहण को वैध जरूर ठहराया था, लेकिन जस्टिस अहमदी ने मामले पर आपत्ति जताते हुए इसे सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। अपने वक्तव्य के दौरान जस्टिस नरीमन ने श्री राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अंतिम फैसले का जिक्र किया। इस केस में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच वाली 5 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी और स्थान पर 5 एकड़ की जमीन दी जानी चाहिए थी। जस्टिस नरीमन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वो इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते, भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किए हों। इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया, ये न्याय का बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था और ये तब एक मस्जिद के रूप में अस्तित्व में थी, लेकिन 1853 में पहली बार इसमें विवाद हुआ। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ली, एक दीवार को अंदर और बाहर के आंगन के बीच खड़ा कर दिया गया। इस दीवार के बाद अंदर के आंगन में मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और बाहर के आंगन में हिंदू। ये तथ्य दर्ज है कि 1857 से लेकर 1949 तक दोनों पक्षों की प्रार्थनाएं होती रहती थी, लेकिन 1949 में कुछ लोग मस्जिद में घुसकर मूर्तियां स्थापित कर गए, जिसके बाद मुस्लिमों की प्रार्थनाएं रुक गईं।
इस दौरान उन्होंने एएसआई के 2003 के सर्वे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एएसआई के सर्वे में विभिन्न धर्मों से जुड़ी हुई चीजों के अवशेष मिले थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने हर बार कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया, ना कि मस्जिद का पुनर्निर्माण। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब भी कानून का कोई उल्लंघन हुआ तो वो हिंदू पक्ष ने किया। क्या ये कानून का सही पालन किया गया था? इसके अलावा उन्होंने बाबरी विध्वंस का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विध्वंस के आरोपियों को बरी करने की बात कही। जस्टिस नरीमन ने कहा कि जिन्होंने आरोपियों को बरी करने का फैसला दिया, उन्हें बाद में यूपी का उप लोकायुक्त बनाया गया। यह हमारे देश की स्थिति को दर्शाता है। इस तरह पूर्व जस्टिस नरीमन ने राम मंदिर मामले पर खुलकर अपनी बात अपना पक्ष रखा।